हेलो। यस सर। हाँ, मैं उन दोनों को अभी घर पे लाया हूँ रिफ्यूजी कैंप से। हाँ, वो लोग बैठे हैं अंदर। ठीक है, ऐसा करते हैं फिर हम लोग डिनर के बाद आपको सीधा मोटेल पे मिलते हैं। ओके सर, बाय। मेरी परवरिश अफगानिस्तान के दोकलम में हुई थी। मेरी अम्मी पास में ही पाकिस्तान के अरंदू कस्बे से थी, इसलिए मुझे उर्दू आती है। हम दो भाई थे, छोटा आमिर अली और मैं सिकंदर अली। 2003 का वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। अम्मी, अब्बू और छोटा आमिर पास में ही कुनार दरिया, हिंदुस्तान में आप जिसे नदी कहते हैं, उसमें खेत में पानी लाने की मशीन लगाने के लिए गए थे। वहां पे किसी तालिबान ने उन पे गोली चला दी और अम्मी और छोटा भाई आमिर दोनों मारे गए। अब्बू काफी साल तक सदमे में रहे और कुछ साल बाद मेरा फातिमा से निकाह हो गया और हमारी दो लड़कियां भी हुई। क्या नाम है आपकी बच्ची? बड़ी जर्निस और छोटी हुनन। कुछ साल बाद हम लड़कियों की अच्छी पढ़ाई के लिए काबुल चले गए। पिछले साल जब अमेरिका ने अपनी आर्मी वापस ली तो वहां पे तालिबान के जुर्म दिन ब दिन बढ़ने लगे। काफी लोगों ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। एक शाम को माहौल बहुत खराब था। फातिमा ने बोला था अब्बू को कि वो बाहर ना निकले, बच्चियों से भी कहलवाया था, लेकिन अब्बू हमारी एक न माने। उन्होंने अफगानिस्तान का झंडा लिया और प्रोटेस्ट करने निकल पड़े। उस रात को अब्बू वापस नहीं आए। उस रात तालिबान ने अब्बू के सिर पे गोली मार दी। मुझे किसी भी तरह से मेरे खानदान को अफगानिस्तान से बाहर लाना था, या तो हिंदुस्तान या पाकिस्तान या अमेरिका। फरीद करके मेरा एक दोस्त था जो काबुल के एयरपोर्ट पे काम करता था। मैंने उसे काफी सारे पैसे दिए हम चारों को अमेरिका लाने के लिए। उस दिन काबुल एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग थे, जैसे लोगों का समुंदर सा था। बच्चों के चीखने की आवाजें। किसी भी तरह से हम चारों प्लेन के दरवाजे तक पहुंचे, मगर जैसे मैंने और जर्निस ने प्लेन में कदम रखे, प्लेन का दरवाजा बंद कर दिया गया और फातिमा और कानून वही रह गए। मुझे किसी भी तरह से उनको यहां लाना है या फिर अफगानिस्तान वापस जाना है। आपको वहां की हालत तो पता ही है। अमेरिका आने का मौका सबको नहीं मिलता पैसा, और आपके लिए हमारी कंपनी में जॉब भी है, तो हम उसके बारे में। सो गई है सारी मंजिले, है सारी मंजिले, सो गया है रास्ता।
गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिले, है सारी मंजिले, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। रात आई तो वो जिनके घर थे वो घर को गए सो गए, रात आई तो हम जैसे आवारा फिर निकले राहों में और खो गए, रात आई तो वो जिनके घर थे वो घर को गए सो गए, गली उस गली इस नगर उस नगर जाए भी तो कहां जाना चाहे अगर, सो गई है सारी मंजिले, है सारी मंजिले, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिले, है सारी मंजिले, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। पामान तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे लगा था हम कभी नहीं थे। Fatima told me about Sikandar, and I inquired with the refugee camp 2 weeks ago, and they found him.